जय राम 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 भाइयों राम राम भाइयों। रियल बाबा वाइस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज चाचा जगदीश के साथ हम मेरा भाई का सच्चा किस्सा सच्चा शब्द यूज करूंगा मैं सच्चा किस्सा लेख जो हमने पाया त्रिपाठी पंडितों से। हाँ चाचा चाचा सुना के सुना भाई जो कौन कितके थे मेरा। हाँ जो मीरा का लेखक पाया ने तो हम संगा मुड़ जे रहे कथाया मुड़ जे रहे शब्द मुड़ जे रहे तने मीरा नाट्य सहे तेरा बाप सत्संग में मत जाए खा जाएंगे काले नाग सत्संग में मत जाए। ये तो गोपाड़सठ हुए सारे गोपाड़सठ क्या कहे हैं गोपाड़े गोपाड़े गपिया ना गोपाड़े फलाए हिंदुस्तान में। हाँ वो दिन हो गया अपने गेरे मुंशी राम जड़लियाड़ा ने कहे कर गोपिया ने गपाड़े पहले पहले हिंदुस्तान में पहले हिंदुस्तान में मुंशी राम को भी बहुत बढ़िया था। अरे हमने भी त्रिपाठी जी के चेले से ये लेख टोया तो हम तो अनपढ़ आदमी हाँ भाई लेख टो कर तेरे कैसे स्रोत का सहारा मिलेगा अरे को त्रिपाठी पंडित जी का मिलेगा जब तो हम उस ज्ञान को प्रकट कराएंगे तो मेरे के लिए जिद्दी होगी एक आदमी की मेरा भाई बने रहा त्रिपाठी का चेला पंडित जी है। तो वो बोले भाई आप तो ठाडे हो लक्ष्मी की डाला ठाड करो माँ क्यों भाई ये बोला जो आप कह रहे हो ये मेरा के लिए बीती है नहीं ये कहानी ही नहीं है सांग में सुनिए सांग में सुनिए होंगे आपने हमने सुनी नहीं की थे महाराज तो लेख ये तरागे पड़े है लेख सुनाऊंगी। उसने लेख सुनाया मीरा का जन्म मीरा के कुणसा गांव से कुणसीवा रियासत से के उसका पिताजी से के उसका दादाजी है। अच्छा। तो मीरा का दादाजी का नाम एक बदली राव दादू राव दादू राव दादू तो वो उसका दादू का हिसाब किताब उसके पिताजी का हिसाब किताब उसकी माँ का हिसाब किताब नाम तो बताया तो था मैंने के था दादा तो राव दादू है। हाँ राव दादू जिद्दी होगी उसकी मेरी जिद्दी होने में उसने इसका अभिनेत्री का जो ज्ञान प्रकट बताया मेरा जन्म से लेकर नराखरी तक। अच्छा, अच्छा। वो आज मैं सुना दूँ सारा आगे हैं। तो भाई इसका जो मीरा बाई है इसका जन्म होया है राजस्थान में गढ़मेड़ तबनिया तो है पथ पहले एक छोटी ही रियासत है गामड़े गामड़े की राज रियासत होया करती छोटे छोटे राज्य होया करते थे। तो उस रियासत का नाम है चौकड़ी वो गांव के लिए शहर के लिए कस्बा के लिए चौकड़ी है वो मेड़ता क्यों नहीं कहते मेड़ता क्यों नहीं कहते अग मेड़ता कहने में कोई भूल के भी आपने सुना दे आज के चक्कर में तो चौकड़ी तो है पहले मीरा तो है पहले। अच्छा 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 और गढ़ मेड़ता बनाया जयमल ने पाछे। जयमल मामा का भी रहा अपने भी रह लिया पिताजी भी गुजर गए माल दे के लिया रोड़ा भी हो लिया सारा हो लिया मामा का तो उल्टा आया ना गढ़ मेड़ता तो जब रचाया उसने। अच्छा उस टाइम चौकड़ी था असलियत कहानी मेड़ता था ही नहीं ना मेड़ता नहीं था आज वो बताया जाओ है आज के कभी भी ठीक से भाई मेड़ता के पास वह चौकड़ी वह है उसके पास में जैसे न्यून अजमेर है न्यून जयपुर है भाई न्यून सी थोड़ा जोधपुर से उड़े कैसे वो एरिया उदयपुर से तो यू एरिया उड़े चित्तौड़ से बूंदीगढ़ से थोड़ा इन पास से पकड़ गए। तो ये शहर से उड़ेवा चौकड़ी की रियासत का राजा कौन था वो था रतन सिंह राठौर उसका पिताजी का के दादू वो दादा दादू उसका पुत्र था रतन सिंह राठौर। हाँ जिसके मीरा ने जन्म लिया उस आज इस ज्ञान वेत्री का आप ज्ञान सुनो जन्म सुनो इसका परंचन सारा सुनो जो कुछ हाल है इसका परिचय देंगे आज।
और बहुत गहरे स्थान से काट के जाए, इसने भाई ये लेख हमने तो बिल्कुल बढ़िया लगा, इतने पंडिता में काटना ये लेख मारे श्रोता साहब बहुत ढूंगत काटे और बहुत प्रगट करांगे आज इस बात ने। आपकी करामात है जाता है। तो मारे श्रोता साहेबान आज न्यू कहे या आम आज इसने फला जा बात ने या दबी रह रही है। क्यों दबरी है या क्योंकि मीरा का जन्म तो होया चौकड़िया रियासत गांव के ले छोटा हा कस्बा है और पाछा बस गया गढ़ मेड़ता के पास। उसके पिताजी का नाम है रतन सिंह राठौर। रतन सिंह राठौर। उसका दादाजी का नाम है दादू राव दादू। राव दादू, दादू राव राठौर, राव दादू। उसकी माँ का है वीर कुमारी। वीर कुमारी ये तो है हिस्ट्री आड़े भाई। हाँ। तो वह मीरा जिस वक्त जन्म ले वह है 3-1 साल की हो जाए। वीर कुमारी। वीर कुमारी। वीर कुमारी नाम है उसका। हाँ। तो जन्म ले लिया उसने कौन से सन में और कब? 1498 में। और वह मंदिर में 3 साल की होगी उस वक्त अपनी माँ के साथ मंदिर में जाने लगी। अब गोदिया का बच्चे ने पाए चलते बच्चे ने आंगली पकड़ के ले जाएगा, माँ हो बाप हो दादा हो ताऊ हो कोई हो ले जाएगा। तो उसने वह घर पर छोड़ने के बजाय मंदिर में ले जाने लगी। मंदिर में ले जाने लगी तो कई दिन हो गए, जान जी ने 5 दिन रोज हो लिए जब इतने एक लड़का लड़की की शादी हुई थी। वह उस मंदिर में आप आगरा ना देई धाम पूजा। हाँ। वह देई धाम पूजन आगे। हाँ। वो ठाकुर जिया का मंदिर में। हाँ। जहाँ वह वीर कुमारी जाया करती। हाँ। तो मीरा अपनी माँ के साथ थी। हाँ। उन दोनों ने गठजोड़ बन जाया होता है, फटका बोला अगर सुना, वो फटका बन जाया होता है, गठजोड़ होता है दोनों पिया पत्नी का। हाँ। दोनों इन इतने फटका बन जा रहा है, इतने एक बार धूख मारनी हुए। हाँ। उनका गठजोड़ बन रहा है एक साथ। एक साथ तो ठाकुर जी ने दोनों मुद्दे पढ़ के उन करी में माँ वह 3 साल की लड़की का इतना दिमाग बताओ है ये लेख काले। हाँ। कि वह अपनी माँ ने बुझा माँ ये कौन है। हाँ। ना तो 3 साल का बच्चा क्या बुझेगा। हाँ। तो उसका दिमाग नाम की कोई घड़ी बड़ी चीज है। हाँ। तो उसने बुझा कि बालक से बेटी ये धोक मारनी है नहीं माँ धोक मारनी है नहीं बताओ कौन है ये के न्यू कहते हैं तेरे कैसे शाने बालट राजट और तेरी आठ हटे नहीं कौन तो आठ पकड़ेगी। तो उस वीर कुमारी ने बताना पड़ा उसकी माताजी ने कि बेटी यू से इसका पति रिया से इसकी पत्नी और ये दे दाम पूजे इसने पूजे मनाओ है ठाकुर जी आगे शीस नुआ में। तो वह खेलती खेलती बच्ची थी उसको कोई ज्ञान नहीं था किसी चीज का। इस चीज का ज्ञान था कि यह इसकी पत्नी यू इसका पति। वो अपनी माँ से सुन ली। हाँ। तो अपनी माँ से जो कहा मेरा पति कौन है वह उसकी पूजा रचना करने लाग रही है। हाँ। तो पूजा करते करते आए भयगी उसने सोची क्यों करे नहीं पांडा छोड़ दिया या हट पकड़ रही है जो इन्हें कान खा गई इतने पूजा कर देना। हाँ। उसने ठाकुर जी कृष्ण जिया की मूर्ति का हाथ लगा दिया कि यू है तेरा पति बढ़ाने खातिर बच्चे ने अपना बढ़ाते नहीं बढ़ाने खातिर उसका हाथ लगा दिया कि यू है तेरा पति। तो उड़े से वो उठ के चली भी जब एक जुकर आज आप पुष्कर जावा किते जावा उसे चीज़ की मूर्ति व्यक्ति उस चौकड़िया नगरी में श्री कृष्ण जी का ठाकुर जी का मंदिर था तो ये मूर्ति बेचने वाले आ गए पत्थर की। हाँ। पत्थर की तस्वीर बेचने वाला आ गया मामा ने यह तस्वीर दिवादे में भी खेल लूँगी। हाँ। तो वह वीर कुमारी उसकी माता जी मीरा की उसने वह श्री कृष्ण जी की मूर्ति दिवादे है। तो उसने तो वह दिल कर लागी उसने तो छोड़ जाए नहीं उसका नागा था भगवान भी हो गुरु भी हो भाई पति भी हो पति बताए दिया। उसकी तो उस बच्ची की लो लागी। चलो समय बीता थोड़ा घना चलता रहा। तो उसका दादाजी जो था दोदू राव तो उसका दौर वो विष्णु का बहुत ज्यादा उपासी था। अच्छा 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 भगत था। अच्छा। उसका दौरा सत्संगी लोग आते थे बड़े बड़े ऋषि सत्संगी कीर्तनी। हाँ। तो वो
विष्णु की आस्था बहुत बात थी उसमें, भगत था, तो उसका दौरा जान लागी, मीरा बच्ची खेल रहेगी, तो उसका वो सत्संग का ज्ञान उड़े थे। एक तो एक चटकाप जैसा कलाकार है श्रोता, एक तो एक चटकाव में थे, गांव में थे, सत्संग के गीत वो दिमाग में बैठा ले, वो दिमाग में बैठा ले, वह उस चीज की लेन पकड़ेगी। तो वो मुन्ने भी देखे हैं सत्संगी, पहले जो गाते थे आज नहीं गाते, आज सत्संग के इतने न्यारे हैं, उस दिन बहुत न्यारे थे, उस दिन तो शेष दे कुर्मुन की गत न्यारी, उदो जी भैया कुर्मा की गत न्यारी, दौड़े पंख दिए बगले को, दौड़े दौड़े पंख दिए बगले को, कोयल कर दई काली, उदो जी भैया कर्मा की गत न्यारी, चातर नारे पुत्र बिन तरसे, चातर नारे पुत्र बिन तरसे, फुएड़े जने जने आरी, उदो जी भैया कर्मा की गत न्यारी, ये संदेश पहुँचाओ भैया, वह बाट देखरी राधा मारी, उदो जी भैया गोती कर्म की न्यारी। तो पहले ऐसे ऐसे सत्संग के शब्द हुआ कर दे, बंगला खूब बिना दुर्वेश जहाँ पर साधु रुट वेश, इस बंगले में पात्र नाच मन में ढोल बगाव, ये कुछ नहीं है शब्द शब्द, ये तो प्रेरणा के होगी जब वो नारे थे, सीधा ग्लूकोज चढ़ा था, हाँ सीधा ग्लूकोज। तो यह बात तड़ बीतगी के लेखक वाले ने बताया, आड़े उसकी माँ का देहांत हो जाता है, गुजर जाती है, जब मीरा जमाए बालक से, तो पिताजी जो रतन सिंह राठौर हैं वह इतनी गौर में नहीं है जितना दादाजी है, इसका पालन पोषण उसके पास सत्संगी आते हैं और बच्ची को चीज तो खिलाएंगे, तू भी खिलाएगा मैं भी खिलाऊंगा, वो राजकाट में लीन है, वो राज में लोलीन है वो रतन सिंह राठौर, तो इसका दादा ने इसका पालन पोषण किया भाई। अच्छा अच्छा, माँ तो गुजरगी, तो माँ का ध्यान तो है पाछे, इसका जन्म बता दिया था मैंने आपका आगे 1498 में, अब आगे बात चलती रही 1516 में, एक राणा सांगा है उदयपुर नगरी, उदयपुर उदयपुर बहुत बड़ा शहर है, अच्छी नगरी है, अच्छी बड़ी रियासत है, राणा सांगा, राणा सांगा, राणा सांगा के पुत्र है भोजराज, भोजराज भोजराज के साथ इसकी शादी कर देता उसका दादाजी 1516 में, 1516 में, फिर या 16 8 24 की होगी वो, तो 98 8 कैसे हुई आपके जोड़ दो, दो और दो रह गए, दो और 16 18 की ये आई ना बात आपके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जोड़ में कसर करा किस करे जा भाई जोड़ में रह जा महाराज रोता रहे की भाई आज न्यू मिला ना बण में नहीं भाई 98 है वो। तो इसलिए ना तो कोई हंगा लग गया, ना किसी ने ना करी, ना किसी ने हाँ करी, कि मीरा का तो हंगा भी उसका पहला प्या के ब्याह दी न्यू करी ना उसके दादा जी चिट्ठी कह रही थी राणा सांगा ने कि ब्याह देना ना फांसी तोड़ूंगा, वो तो फिर आगे बताऊंगा ने, पहले यह सत्यवादी कथा तो सुनो। अच्छा, तो इसमें ना किसी का हंगा, ना कोई बिस्का प्याला, ना कोई बात, दो दूर आए ने हंसी खुशी सो राजी 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 राजी, राणा सांगा पुत्र भोजराज उसका शादी कर दी और उसकी डोली बेच दी। तो कुछ दिन बाद राजा रतन सिंह की भी मृत्यु हो जाती है, तो दादाजी रह गए, वो बड़े बड़े सत्संगी हैं। तो रजपूतता के यह बतावे हैं, एक बजे डोली भेज दी ने, फिर बोर्ड गांधी को, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर बोर्ड का हो तो कई साल पाछ को गहरा काम हो जाए तो खसम की इजाजत लेनी पड़े, लिखवाना पड़े, जब जाओ ना तो जा नहीं सकती। अच्छा अच्छा, ये लाग है, ये होया करता सेशन था इनका रजपूतों का।
कह तो डोली आवेगी कह रथी उठेगी, बीच में कोई काम गहरा हो गया तो वो डाट डालेगा, खसम से आज्ञा लिखवानी पड़ेगी, तब जा सकेगा ना तो नहीं जाओगी। तो भाई ये हालत होकर ना कुछ भी सुख नहीं देखा, सुहाग नहीं देखा मीरा भाई ने, उस मीरा पुत्री ने कोई सुहाग सुख नहीं देखा। कृष्ण की मूर्ति ने अपने दिल के लाए रहे, उसे पर नाच है, उसे पर गावे है, उसे पर सत्संग दादाजी द्वारा पूरा पकड़ रही है। तो वहाँ से क्या बीतते है, मुगला के साथ लड़ाई हो जाए राणा सांगा की, हरभोज राज की। उस वक्त राणा सांगा तो हार रहे थे, तो राजा मौजूद भोजराज है, भोजराज मुगला के रण में मारा जाता है। अच्छा, ब्याह होंदे तो वो मारा गया, मारा गया तो मीरा भाई भी दुआ हो जाती है। मीरा भाई अपने सत्संग में नहीं छोड़ दी, उसको 19-21 भी फर्क नहीं हुआ कि तू बेदुआ हुई, सुहागण थी के था के नहीं था, कोई फर्क नहीं आ रहा। वह सत्संग में लोलीन है, वह तो अपने भजन गावे है, अपने पेश करे है, पर्चे पेश करे है और मंडी रहती है। उस परिवार का राज नहीं आई यह बात, उस परिवार का राज नहीं आई तो उसको व्यस व्यास देने की सलाह करने लगे। उसका भगवान कृष्ण साक्षी है, उसको पता लग जाए कि तेरे को तो ये व्यस प्याम है। अब भाई कोई भी हो, भगत हो, जगत हो, बुरा हो, अच्छा हो, देखो व्यस प्याने में तो बात तो बुरी है, अरे बचेगा बचेगा। उस माता से उसने बचना शुरू कर दिया, बचना शुरू कर दिया तो वह घड़ी तंग आ गई, तंग आ गई तो कोई दिन देखा उसने नहीं, वहाँ जोग बैठा वो परिवार के राग नहीं आई तो वह उड़त वहाँ से चल के ने और भगमा बाणे में हो गई थी। भगमा बाणा तो मर्द ही ले लिया उसने, जो भोजराज की मृत्यु आई तो उस दिन उसने भगमा बाणा ले लिया था। अपनी बड्डे मनक्या की माला, जो चंदन की माला होती है बड्डे मनक्या की, छोटी माला एक सौड़ी ही हो है, काले काले मणियाँ की, एक भूरे भूरे मणियाँ की, वह आपने देखी हो तो देखी होंगे आपने, तो वो तो आगे तुलसी की। अच्छा। तुलसी माला। और जो बड्डे मणियाँ की है, बाबा जी मणियाँ दे दी न्यू कर दी, वह होती है चंदन की माला, चंदन चंदन। और वो भाई बेचन के मारे से जैंडी की बना लो, कोई आटे नहीं होती। ठीक। तो मेरे वीर क्या बीते है, वह मथुरा में चली जाती है। मथुरा एक है, घर क्या तंग कर दी ससुराल वाले ने, लकड़ी छोड़ दी उसने उदयपुर नगरी, उदयपुर नगरी छोड़ दी और चौकड़िया नगरी जो बाप की थी, माता की थी, वह छुट्टी गई थी, शादी हो गई थी, उदयपुर नगरी में आ गई थी। तो वह मथुरा नगरी में चली जाती है। मथुरा नगरी में बड़े बड़े तीर्थ हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, श्री कृष्ण जी की ज्यादा पूजा है मथुरा में। और मथुरा के पास में एक बिंद्रा है, वह बिंद्रा में लेख लिखता है श्री तुलसीदास। तुलसीदास रामायण के लेख में हमने पढ़ा, त्रिपाठी रामचंद्र जी पंडित जी धोरे उसने पढ़ के बताया कि भाई यहाँ लेख आ गया तुलसी रामायण जो यह है, तुलसीदास ने जो रामायण लिखी, या भूरी तुलसा जो है यह है श्री कृष्ण तुलसा। और वहाँ बिजिया रानी नाम से, हरपट रानी नाम से यह प्रकट है बिंद्रावन में। अच्छा। बिजिया से बिंद्रा है वो। अच्छा। तुलसी के ही बाग है उस बिजिया, जो न्यू का है ना बिंद्रा वन, वो वन तुलसी का है। अच्छा। तुलसिया वन से वो। अच्छा। उसमें बिजिया रानी से उसका दो रजार आर हो जाता है, वह प्रकट हो जाती है। बड़े सत्संग होते हैं, तुलसी की पूजा करती है मीरा भाई। और भाई उसका उसका बिजिया रानी हरपट रानी का मेल हो जाता है। और उसको कोई सतावे था तो खुद विष्णु उसके पति बने थे विजया रानी के। और घने तेरह वर्ग आज भी शौकीन उस तुलसा का ब्याह रचावे हैं कि भाई इतना मूंग की दाल का भोग लगेगा, इतना चौल चाहिएगा, इतना वो चाहिएगा। आज भी वो शादी प्रथम है वो विष्णु विजया का जो माती है। तो ये तुलसीदास रामायण में पाया है। तो फिर यह करती रही, चलती रही। कुछ दिन बीतने पर इसके कानों में आवाज आई, बड़े बड़े सत्संगी आवे थे, इसने आवाज आई कि एक भगत रैदास बहुत जोर का सत्संगी है वो काशी में, वाराणसी जिसने आज बोलते हैं काशी जी, या काशी जी चली गई। तो ज्यादा भगमा बाणे में थी
और वह अच्छी सत्संगन थी, खड़ताल बजावे थी। खड़ताल को जानो हो ना आप? हाँ, हाँ। खड़ताल बजावे थी या? हाँ। तो उस रैदास ने गुरु बनावे है या, उसके चरणा में नू करके ने शीश निभा कर ने के गुरुदेव ओ नू लखा को हो पुत्री इतनी भारिया होकर ने हमको गुरुदेव बना रही है। तो उसने लटाम्बर का अपना एक तारा दे दिया। नू बोला लो पुत्री ये एक तारा लो, ये सजती नहीं खड़ताल पड़ताल आपका हाथ में, आप एक तारा बाजन दो। आप बहुत बड़े भगत हो, आप वजी कवि नेत्री हो, आप छोटी नेत्री नहीं, बहुत बड़े कवि हो, सत्संगा के तो आप मार हो, ये इसमें लिखे गए आप कि है नरसी गोबंद तुलसीता कई चार उन ग्रंथा में यह लिखी जा रही है। तो रैदास ने इसको एक तारा दे दिया। उस दिन पाछा यह एक तारा पर मगन है गली गली। एक तो चाचा जो हमारे समाज की वर्ण व्यवस्था थी, हाँ हमने तो नहीं बनाई है, तो चलती आवे थी। हाँ चलती आवे थी। और उस वर्ण व्यवस्था को तोड़ना किसी का बस की बात नहीं थी। ना कोई नहीं तोड़े था। राजस्थान में जाओ आज भी नहीं टूटी है ना। उसका मिश्रण मीराबाई के जो शब्द हैं भजन हैं नरसी में मिक्स होया, कुछ गुजरात में मिक्स होया, कुछ और तीन जगह चार जगह के इसके मतलब लिखे जा रहे हैं वर्णन। तो उसमें इसकी कुछ राजस्थान भाषा है, कुछ गुजरात में है, कुछ उरान उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मान्यता है। तो मीराबाई ने वर्ण व्यवस्था को तोड़ के गुरु बनाया। वर्ण जब तक इसने गुरु तो कृष्ण है, पति कृष्ण है, भगवान कृष्ण है। हाँ। तो किसी संत के कहने से कि इतना कमल संत से बहुत बड़ा सत्संगी है। हाँ। ये सत्संगी भी आपने ना बेरा तो रैदास रविदास जो है। हाँ। बहुत बड़ा सत्संगी है। हाँ। सप्तऋषियों ने खुद मान्या है। अच्छा। और एक कबीरदास सत्संगी है। सप्तऋषि बता देने बीच में सप्तऋषि गए थे इसके पास। अच्छा। कि कुछ बागवाणी हम रैदास भगत से लावा। और सप्तऋषि छोटी बात नहीं है, एक लोक है सप्तऋषि अलग है। अलग उन देवता में मिलकर नहीं रहते ना। अच्छा। अपना अलग लोक से सप्तऋषियों का। अच्छा। सप्तऋषि लोक। अच्छा। दस लोक है ना। अच्छा अच्छा। तो यू सातवां नंबर पे सप्तऋषि लोक आ गए है। नौकड़ा ग्रह है। हाँ। अपना अलग अलग। तो इन न्यू विचार लाया है कि चलो न कुछ बागवानी बहुत बड़ा सत्संगी है, सत्संग सबसे बड़ा बताते हैं। आप जैसा बोले भाई सत्संग में बड़ा क्यों बताते हैं? न्यू बोला मेरा रोजारी बात में कुछ स्वाद नहीं आया। न्यू बोला भाई एक शब्द कर रही थी, एक परी नाच रही थी, वह परी नाचते नाचते और मन आगी देवत्या का भागी वाइंद्र के खाड़े की पूरी थी। उस अभिनेत्री के भस्म होकर नर गुरु वशिष्ठ जी ने अपनी सारी उम्र की तपस्या दान कर दी। नहीं बोला ले भाई सारी उम्र की तपस्या दान करूँ। वह नाच का आई जब नारद के पास आई, नारायण 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 वो भी कर रहा था, अपने बीने में चूर था, बीना बजाता था, खड़ा था। न्यू बोला ले दो घड़ी का सत्संग हम भी तेरे ऊपर वा रहा। अच्छा। दो घड़ी का सत्संग ऋषि नारद ने भी दे दिया। हाँ। तो गुरु वशिष्ठ ने अपनी सारी जिंदगी की जो तपस्या दान की। हाँ। ऋषि वशिष्ठ गर्भ आ गया। हाँ। गर्म हो गया। हाँ। नोड़े ना। हाँ। तो विष्णु जी दो रजा के कहने लागे प्रणाम प्रणाम। नारद भी बोला नारायण 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 विष्णु जी नारायण नारायण नारायण। वो तो उसका भगत से श्री हरि नमो नमो नारायण 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 नारायण। वो बोला के नारायण नारायण भाई विष्णु सुन दे। गुरु वशिष्ठ जी बोले बोला मन ने एक अभिनेत्री नाच कर रही थी इंद्र के खाड़े की उर्वशी थी वह उर्वशी के मन ने तो सारी तपस्या दान कर दी। और इसने बोला दो घड़ी का सत्संग किए नारायण नारायण मेरे यार ये तो कुछ भी कौन कुतरू है जो का सत्संग मिला। अरे विष्णु का सांप सा लड़ गया। ऋषि तपस्वी तो बहुत बड़ा है, अहंकारी हो गए तो बहुत सत्यानाशी बात करने लग गया। चलते चलते शिवलोक में आ गए। शिवलोक में विवाह बात आओ गुरु वशिष्ठ जी आओ बहुत बड़े तपधारी हो। जो बोला तपधारी तो हैं पर आज एक बात सुनो
ऋषि नारद शिव जी ने भी आदरणीय में दिया कि तपस्या को तो सब देंगे भाई, तपस्या तो बड़ी चीज है। आओ गुरु शिष्य जी, आओ आओ रुगु कुल गुरु आओ। हकाए महाराज फिर यू भी बोला शिव 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 नारायण 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 नारायण। बोला मेरे अरे यू किए शिव 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 करे है बोले नाथ। बोला हाँ। बोला मन ने उर्वशी नाचे थी, इंद्र ने अपना साज सजारा क्या था, मेरे दही से भजन गाए से कीर्तन करे उसने मुने तो सारी उम्र की तपस्या दान कर दी। और यू नारायण नारायण है ना बोला नारायण नारायण ये नारायण नारायण ने कुछ नहीं करे। बोला दो घड़ी का सत्संग, दो घड़ी का सत्संग कर दे भाई शिव कभी रौला छिड़ गया। बोला भाई तो गर्भ आ गया जमा डूब लिया एक दो। चलते चलते ब्रह्म लोक में आ गए। क्या की बड़ाई कर रहा है? हाँ ब्रह्मा जी के आओ आओ ऋषियों आओ के पिताश्री आए। वो भी बोला पिताश्री आए क्यों? ब्रह्म तो सृष्टि ने चेता है, दुनिया का पिताश्री है वो तो। ने बोला गुरु सृष्टि आप रुगु कुल में हो, आप गुरु हो कुल गुरु हो, आप के पिताश्री को हो, आप भी पिताश्री हो, रेन आप तो बहुत बड़े तपस्वी हो। बोला काल हम उड़ गए थे इंद्र के खाड़े और उर्वशी नाचे थी, मन ने तो अपनी सारी जिंदगी की तपस्या दान कर दी जो मन भक्ति कर रखी थी। और इस बोला इस नारायण नारायण ने क्या कराया तेरा छोरे ने ये कुतरु ने? वो बोला रे भाई न्यू तो ना बोले यार उल्टा बोला है। न्यू बोला उल्टा बोला है भाई तू जा तो बात गुरु विशेष जी ठीक कौन ने बोला ना इसने तो अगली का सत्संग। न्यू बोला फिर इसका फैसला कौन करे तारा? न्यू करो मैं बताऊं हूँ दोनों बात हो रहे थे आगे तुम टल टल के ने ये बूढ़े जो सातवा नरक लोक से ने उस नरक लोक में जाओ उड़ा फैसला होगा सारा। स्वर्गपुरी में तो जाया है तुम, स्वर्ग में जाया है शिवलोक में जाया है ब्रह्म लोक में आ रहे हो, आड़े तारा कोई फैसला नहीं है, तुम ये शेषनाग दो रहे उड़े पाताल लोक चले जाओ। और शेषनाग की खोपड़ी पर है भाई सारे देश का बाहर पृथ्वी, वो जो सातवा पाताल है उसकी खोपड़ी पर है वो बाहर। जो बोला भाई शेषनाग जी हम तो सारा हांड आए मन ने तो न्यू न्यू कराया सारी भक्ति दान कर दी, इस कुतरू ने बोला नैन 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 कर दे फिर यू और तेरे दौर भी आ गए शेषनाग शेषनाग नैन 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 यू और क्यों जानता है नहीं। इसने मिला दोगड़ी का सत्संग ने बोला भाई फिर इस बात का तोड़ तो करे मैंने पूछने जाना पड़ेगा एक अक्षरी सिख तप रहा है और बहू या बताओगा मेरा अगर तारा अगर तो बताओगा कौन ले गुरु विशेष जी यू थोड़ा हा यू मेरा बाहर है ने यू उठ ले तू यू अपने सिर पर ले ले हर भाई मैं भूल जाऊँ इतने। उसने जो पृथ्वी से शेषनाग की मस्तक पे वह गुरु विशिष्ट के सिर पर धर दी और गुरु विशिष्ट के धर्रे गए ये हाल गया जू धरे चालने तेरी बेबे मर गया ने मैं बोला किस जागा शेषनाग जी बोला के वाह माता मर गया मेरा कौन उठा यू यू बरोटा संभाल। बोला भाई फिर तोड़ के करूँगा मैं के बुझ गाऊँगा भाई तू तो बहुत रद्दी रह गुरु विशिष्ट जी तेरे मेरे अरुण से जान भी दिया ना। बोला तू जान की बात करे मेरा हार गया मेरे धर्रे गए मेरे मैं तो दिमाग हार गया तो उन्हें बोला भाई तू नारद ऋषि तू वोट ले तो बुझू मैं तारा फैसला करूँ। ने बोला ऋषि जी यार के बात से शेषनाग जी आप तो बहुत बड़े ऋषि हो ला। ऋषि नारद ने राज्य हो गए पृथ्वी का बाहर अपने सिर पर दरवा लिया। ने बोला रे दोगड़ी के सत्संग इस बार ने मेरे सिर पे एक चार बिला तू परठा दो। सत्संग इतनी बड़ी चीज है जैसे मीरा का सत्संग बहुत बड़ा होया अपने उत्तर में तो जमाए तप गया राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब इन भाषाएं में मीरा का सत्संग तपया भाई। इमने बताया दो घड़ी का सत्संग बहुत बड़ा है नारद का पृथ्वी का बाहर उठ गया और गुरु विशिष्ट पर उठा नहीं हाल गया भक्ति वशिष्ठ भी कर रहा है भक्ति नारद भी नारद भी कर रहा था। उसने शेषनाग ने उसका आगे कहा कि भाई तू तो कहता मैंने भक्ति सारी उम्र की दे दी क्या घंटा दे दिया नारद ने दिया ज्ञान सारा है दो घड़ी का सत्संग जो सारी पृथ्वी का बाहर उठ गया और तेरे 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 छक्के चाल के तो कुछ भी कौन इस आगे। तो नारद बहुत बड़ा ऋषि बता दिया दोनों भक्ति नारी नारी होगी नारी नारी होगी।
ये जो दोगली का सत्संग से ना, यू बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, भक्ति में कहीं मोड़ आऊ है, लोलीन हो जाए, उसमें कुछ न कुछ खराबी आ जाए, गुरु विशिष्ट का अहंकार हो गया, खराबी आ गई। अरे इसका अहंकार कौन हो रहा? यू तो वो है नारायण 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 नारायण, वो सत्संग से इसका तो, इसका सत्संग है उसकी भक्ति, उसकी भक्ति। तो फिर एक भगत होया अपने भारत वर्ष में, होया दाई तो वो बाहर चले गए, उनका नाम था महात्मा बुद्ध। वो सरुताड़े था, भारत होगा, भारत बिहार, बिहार से महात्मा बुद्ध बिहार से जन्म। फिर कौन ही टिकन दिया वो, कौन टिकन दिया लोगों ने, और वो टिकन का भी ना था, वो स्वधी में होगा भक्ति करेगा। अच्छा, बचपन में वजीर के साथ अपनी भक्ति में लोलीन होकर नर घूमने चला गया, घूमते घूमते कोई मानस का देहांत हो गया और उसकी पिंजरी बांध के अपने चार कांधिये लागे हैं हिंदू समाज में, चार कांधिये लागे हुए उसको ओम नाम सत कहते जा रहे हैं। और वजीर से पूछे कि यह क्या हुआ? यह हुआ कि यू मर गया। वजीर ने बताया कि इसका देहांत हो गया, खत्म हो गया यू। मर गया? हाँ, मर गया कैसे, क्यों? अच्छा, तो वो अंदर था बहुरे में, तय खाने में, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। अच्छा, उसका पिताजी उसको महात्मा ने भी तरह क्या करता, बाहर नहीं करे था। क्यों? कि वो भक्ति संपूर्ण ज्ञान से भक्ति कर रहा है, ये भीतरे करे जागा, बाहर के करेगा, बैराग ना ले ले, बैराग ना ले ले यू। तो कुछ ज्ञान हो जागा तो यू कुछ राज में लोली होगा, और जय यू कर दिया तो कहते बैरागी हो जा। उस बैरागी की सोच से ओहो, तो वो अंदर रखा, अंदर रखा तो वो फिर बाहर आ गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, सोची में आ गया। तो सोची तो उसने तो थी, वो तो जमणु ज्ञान प्रगति था। बाहर आकर वो उजीर के साथ घूमने गया, क्यों? बाहर का तो उसने वातावरण का ही नहीं पता था। अच्छा, बेरायना था, बेरायना था, अंदर था वो तो। तो वो आदमी मर गया, देहांत हो गया, तो चार कांधे लागे ओम नाम सत बोले जा रहे हैं, वो टकरा गया वजीर और महात्मा बुद्ध। वो वजीर ने पूछा कि ये क्या है, कि उसने ज्ञान नहीं था, कोई देखा नहीं था मरदा, कोई जड़ांदा नहीं देखा था, कोई गाड़दा नहीं देखा था। तो आपने क्या ज्ञान होगा जो बंदरे नहीं जाओगे, गुम रही जाओगे ना? तो आड़े महात्मा बुद्ध की लो उसमें गई कि यू के हुआ, जाना भी पड़े के मरना है, मर गया यू, बोला मैंने भी मरना है वजीर साहब। वजीर से गया, बोला महात्मा जी ना, बुद्ध जी आप अच्छे हो, बच्चे हो, इतनी भक्ति करके बचापन की बात कर रहे हो, क्यों? अरे सब ने मरना है। बोला मरना है, बोला और? फिर तो वजीर से ज्ञान पा गया उसने, अपनी भक्ति जो कर रहा था वो कर रहा था, उड़ा चटका लग गया, उड़ा ज्ञान का चटका आ गया। क्यों? बोला फिर किस लिए? बोला हम राज पाठ त्याग पाठ, किस लिए घर, किस लिए बहुरा, किस लिए तय खाना, किस लिए क्या करना, मरना तो है ही, चलो चलो। तो वो तो उड़े त्यागन कर दे सब क्या है का। अच्छा, त्यागी परोस। उसने किसी भक्ति करी फिर उसने इसी भक्ति करी। अब उसकी जो प्रणाली चली है, शादी में हुई है उसकी, कौन ही माने लोग, होली के बाद बछोरा भी हो लिया था, हो लिया था। तो सारे काम हुए, वो फिर अपने नहीं रहा, भारत में नहीं रहा। अच्छा, चल कर तपस्या उसने चीन देश जो है, चीन सुना हुआ आपने? चीन, चीन में करी, चीन की प्रकृतियां में ज्यादा मशहूर हुआ वो। और एक आपने जकरा करया था एक दिन कि ये जैन, महावीर जैन, भगत जैन, भगतिया जैन भी भगत हुए हैं। तो ये भगत तो मुंह पर पट्टिये बांधे ये होंगे, और भाई जैन भगत में इतना बेसोधी भक्ति कर दी कि सारे शरीर के लत्ते काट के कती नुकाड़ा नंग हो गया। कुदरत के गेल रहे, कुदरत के गेल, कह ले भाई मैं तो देख देख, मैं तो इसने जमा बिल्कुल गलत मान गया भाई। भक्ति करो, शरीर को देखो, समाज को देखो, जुड़न लाओ, पर्दा करो। वो कति नंग हो गया भाई, नंग हो गया, चलताड़े तेरी रोहतक में देखा मैंने दो तीन बचानस, कति वो आड़ नंगा चल रहा है। उसने भी रावण हागर उसने रोके हैं लोग, उसकी लिंग पे पानी गेर कर वो पी हुए सब क्यों छोड़ दिया, त्याग कर दिया कि जब मरना है तो यू
मंडा किस बात का, उजीर से ज्ञान का चटका था। तो ये बापा आगे मीरा भाई, मीरा ने किसी भक्ति करी, मीरा ने करी शर तोड़ भक्ति। चार तो ग्रंथ बने हैं उसके, नरसी का, गोविंद टीका भाई, एक और उसका नाम मेरा याद नहीं है। चलो चार ग्रंथ बन गए। कुछ टाइम की भी अपने द्वारा बचत होनी चाहिए। चार ग्रंथ में तो उसके कीर्तन, हरि कीर्तन, जबर कीर्तन जमा रचे गए। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पाकिस्तान तई, जब तई तो यू पाकिस्तान पेप्सू था, हिमाचल, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा जो आज से ये सारा पेप्सू था, उड़े तई इसकी महिमा खूब चली भाई। तो यह वहाँ पर घूम रही है, अच्छे इसके प्रचार हैं। तो आड़ा आगे बात ही भी कनस को भी मार दिया, द्वापर का खेल है ही सारा। द्वापर देश में समय में सतयुग में 400 साल की आपकी उम्र है, और त्रेता में 300 साल की है। ऋषियान छोड़ गए, ऋषियान की तो उम्र नहीं होती ने, ऋषि तो ऋषि है, इब उनकी क्या उम्र है, कौन पढ़ते पाड़े उनके, वो तो सोते हैं। तो यह तो हम तेरी बता रहा हूँ आम आदमी की। तो फिर आ गया द्वापर, द्वापर में 200 साल की है। तो फिर आ गया कलयुग, आज कलयुग में 100 साल की है। और 100 साल के हुए आदमी कदे तू नहीं मानना चाचा तो हुए बकमा रहे हुए हैं, अपनी कृति के अनुसार होते हैं, संस्कृति अपनी, भजन कीर्ति, शब्द कीर्ति, जुनसी कीर्ति को पढ़ाओगे तो आप उसका फल पा जाओगे, होते हैं। तो ये द्वापर की कहानी है। तो उसको भक्ति करते करते इतने दिन हो गए, वह भक्ति करके खूब संपूर्ण हो गई। श्री कृष्ण दाऊ भैया ने बुलाता है कि भाई मेरे हाथ से इसकी मृत्यु नहीं है, जरासंध को मार दे, इसने तो 16,000 आदमी तो कैद में रोक रहा है, खेम बिना कसूर है। सुरक्ष ने तो पत्थर बांध गए, जमुनाई वो आए थे, इस बेटी चौथ ने तो जेल में रोक दिए, कोई रेण का खाना नहीं, सारी नगरी की जेल बना दी। चाचा कथा तो चल रही है मीरा की। हाँ आप जाओ हो जरासंध के पास, तो मीरा ने उड़ाना है ना, जड़े में कथा ले जाना चाचा चारा हूँ। एक काली यमन रह गया, जरासंध के मारने में श्री कृष्ण जी ने 16,000 रानियां ब्याई। आपने शब्द ना सुना हो तो श्री कृष्ण जी ने 16,000 रानियां ब्याई, नजारा हो तो ऐसा हो, कब्जा के संकट काटे सहारा हो तो ऐसा हो, कष्ट मीरा के काटे जलदारा वो तो ऐसा हो। खड़िया पाया है मीरा ने, जड़े बनाए उड़े खड़िया पाया है। राधा के अंग में सुमाए सथियारा, साथी हो तो ऐसा हो, राधा के अंग में खड़े पाए सथियारा, अंग में आड़ पाए मजल में अपनी तस्वीर दिखा देता। उदो ने उदन संदेश पहुंचाया कि कृष्ण तो आपने फेटेगा नहीं, राधा जी आप क्या कृष्ण कृष्ण में लो ला रही हो, वो तो फेटेगा नहीं, संदेश पहुँचाने भेजा था, ये संदेश पहुँचाना। ने बोली उदो जी भैया आपके अकल मारी गई गए, श्री कृष्ण भुका दिन हुए मान लो हो, श्री कृष्ण देखोगे। बोला नहीं मेरा नाट गया बहन जी, नाट गया वो, आज को नहीं आवे वो। और इतने मैंने बोली देख अपने खवा पर दिखा दिया सवार, अंग में समाया की समाया, जय युरा। और उदो जी भैया उतर लागे जाकर तेरी बाढ़ के दे, तू झूठा कर दिया ना इसने। अच्छा उस भाई संदेश पचुआ और फिर आड़े है दो। तो मतलब उसका अंतर्यामी है, खेडे गणी है, श्री कृष्ण का ही है वो काम सारा, खेड़ेबाज है। और मीरा भी श्री कृष्ण में ही लोलीन है, अपना नाच भी श्री कृष्ण में है, भगवान भी श्री कृष्ण है, पति भी श्री कृष्ण है, तो सब क्या है का काम श्री कृष्ण में है भाई। इसलिए मैं उड़े ले जाना चाह रहा हूँ। जरासंध मर गया, द्वारका नगरी बसा दी, जो 16,000 वो छूटे थे वो द्वारका नगरी में है, इसका प्रद्युमन पुत्र है वो भी द्वारका नगरी में है, जो छूटे थे कह दी जरासंध
जरासंध की कैद में जो रुके हुए थे उन एक एक लड़की स्थाई थी 16,000 रानियां ब्याही के श्यान की बात सुन के श्री कृष्ण जी ने ब्याही है। पहले तो जरासंध मार दिया, मारे बिना कैद छोड़े है गये। फिर वो कैदी बाहर आ गए, उन्हें एक एक लड़की दान कर दी श्री कृष्ण जी को। आपके पल्ले नहीं पड़ी थी? अच्छा अच्छा, मैंने बताई। तो वो 16,000 रानियां ब्याही नजारा हो तो ऐसा आड़े वो 16 कला है रे ना बेरा हो तो किसी ने। अच्छा अच्छा, अच्छा। तो वो 16,000 रानी उन कला की बनकर आई है श्री कृष्ण के पास और उन कैदियां दोबारा आई है। तो उड़े काली उन रह गया 10 मील द्वारका नगरी से, कालीवन की जो नगरी है उद्दा नगरी, उत्ता नगरी, उत्ता नगरी में कालीवन में 10 मील गए रही है। मैं कालीवन को कोई मारिया नहीं, जन्म लेगा चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे प्रहलाद हो चाहे कोई हो, के 10 मील गए रही है मरे को, नहीं हो। और वो बाहर नहीं निकलता, इतना करड़ा अंतर्यामी है वो बाहर नहीं निकलता। नहीं बोला हमने सुसरा मारे कौन देगा। और जो पत्थर बांध बांध ऋषिया ने बुआ में थे, उड़े कनस भी था, जरासंध भी था, शिशुपाल भी था, रियुकाली उमन भी था। ये जनांदरे पाप के भंडारी थे। तो द्वारका नगरी बसाए पाचे भाई, प्रद्युमन का तो राज हो गया उड़े। और यूं तो अपने कदे उड़े गोकुल में, कदे मथुरा में, कदे किते कदे किते, कदे जरासंध किते किमे किते कालीवन, तो यूं तो घूम रहा है। उसने काली उन्होंने खजा के ने ठोसे दे कर नर भाज के नहीं चादर का जो पुट्टा मार के कालीवन हो उशार। और कालीवन का तो खाजा है दस मील में टोके कौन है ललकार के, यू भाज लिया। अकमर्रा बटन 10 मील भीतर से आ गया तो छोटे कोर भसम करेगा। ओ करण छोड़ ओ भगोड़े न बोले रे वार है कालीवन, करोड़ों नाम से आज एक नया भगोड़ा दरिया। फिर जिस वक्त तो बाहर हुआ द्वारका नगरी के गोरा आ लिए और उस 10 मील से बाहर हो लिया अंतर्यामी है, उसने तो पता था आ गया बाहर है। जब उसकी नाड़ काटी न बोला लत न बनाऊ रे रण छोड़ भगौड़े रण छोड़। अच्छा। इस आवाज पे उड़े द्वारका नगरी वाले ने मंदिर बना, सबसे बढ़िया मंदिर बनाकर सबसे बड़ी तस्वीर रणछोड़ के नाम से ला दी। रणछोड़ कृष्ण का नाम है, रणछोड़ अच्छा। भगौड़ा अच्छा। ये कृष्ण के नाम है, ये कालियमन ने धरे और उड़े उस रणछोड़ के नाम से मंदिर बनाया गया। बढ़िया नाम धरा ये उड़े रणछोड़ का नाम से उन कराया कि रणछोड़ की आवाज आएंगे, रणछोड़ इस मंदिर का नाम रणछोड़ धर दो। वह उड़े से चल के मथुरा बिंद्रा काशी सारे घूम कर नरमीरा गली गली गुनगाने लगी, श्री कृष्ण कृष्ण गाने लगी, घूमती रही। कृष्ण ही पति कृष्ण ही गुरु कृष्ण सारी बात कृष्ण की, एक तारा बाजे रे दास जी चाचा। मन मेरा है मीरा का समापन करेगा, उससे पहले है ना एक मांगेराम जी हाँ भजन कोई मीरा का कल सुहागी डाल का कोई भजन हो ना। हाँ हाँ एक भजन तो सुन दे। तो वो श्री मांगेराम जी तो कदे ना तो मीरा का खिस्सा कया ना सांग बनाया, लक्ष्मी चंद ने बनाया, सुल्तान ने गाया, जले सिंह बाबा होया करता बहुत ठाड़ा कविया उसने गाया, सतवीर ने सूढ़िया ये मीरा का खिस्सा। तो भाई मन ने तो उड़े सारे पर पत्थर पड़ गए, बोला तू दिल्ली की बेसमार मरो तका भांड तेरे जिमने मर मेरे जमाने मेरे जिमने मर तेरे जमाने में पत्थर पड़ेंगे रांड। तो है भाई मन ने तो आज पत्थर पड़ते दिखे जो त्रिपाठी लेखन जो पाए हमने जन्म के शहरा के। तो मीरा उड़े जावहर मांगे राम यू भजन कया करता, जिस वक्त उड़े योद्धा नगरी में जाया करता और राजावता इन पात के पास बेपड़ी भाई संतान पैदा नहीं हो रही, कुछ संदेश पहुँचाना तो यह नारद की जिम्मेवारी थी। उड़े नारद जी के बारे में तो उसने बनाया था कि भाई वो गाता बिना बजाता गाता जा रहा है श्री मांगे राम जी ने। ए मीरा का ये टेल सवाग यू अटल क्यों आया, वह श्री विधवा तो होगी थी कृष्ण को पति बना रही है वाह बयान से पहले ही। हे मीरा का ये टेल सवाग कवारी कवली रह गई,
कवाली ने ब्याह नहीं कराया, कवाली सप्तऋषियों के साथ बैठी, वह कुवारी है। कवारी कवाली जरा रह गई, छह ऋषि है, सातवीं कवाली है। अच्छा, सप्तऋषियों का उसमें लोक में। अच्छा, तो फिर के कह है, हे नटखटवट गिरधर के दो ऋषि के से राग, हरि के नटखटवट गिरधर के दो ऋषि के से राग, दुख राग सकाए प्रगट हो गे, मीरा के लगने दिया ना कदे दाग, कवरी कवली रह गई मीरा का यटल सवाग, कवली कवारी जरा रह गई। बेबे वह तो कवारी नहीं, अरे इसका अटल सवाग है, या सुभागण होती गारी है एक तारा पे, बहुत गणे चार चार जगह इसके भजन कीर्तन खूब लिखे गए, बहुत लंबे प्रचार हो गए। अच्छा, देखे कोयल बोल मीठी वाणी का कुकते काग, हरि अरे कोयल बोल्या कर मीठी मीठी वाणी का कुके काग, एक रंग और एक शक्ल के, एक रंग और एक शक्ल के, न्यारे न्यारे जिनके बाग, कवाली कवारी रह गई आए मीरा का यटल सवाग, कवारी कवाली रह गई। पक्षियों में कोयल जो है वह इतनी शैनी है, बता दूं मैं आपने, इतनी शैनी है कि वह काग दो रहे बच्चे पढ़ावे है, उस करने में जाकर कागनी करने में जाकर अंडे देगी अपने। अच्छा, कागनी का सेवन करेगी और इतने बोलने नहीं सीखते, इतने वो चुग्गा पानी देंगे, सामर्थ कर देंगे, कोयल हो चाहे कोई लाओ उनको सामर्थ काग करे हैं। अच्छा, कोयल जब में कागा पाला यू कड़े का न्याय है वो गारा क्या ना, कोयल जन्म है और कागा पाला है वो गारा क्या है, वो ये अपना याद नहीं है दर्भ से। तो वो गाना गाता है, वो मीना बिना बजाता है, रानी के पास भेजे उसने राजा उतन पास, उड़ा का जिक्र है यू। तो ये बिना बजाता गाता जा रहा है, स्वर्ग लोक में चर्चा चली बुरे कर्म की लागे, आज स्वर्ग लोक में चर्चा चल गई बुरे कर्म की लागे, देखे मोथरा के माँ ब्याई जागी, गोकल में खेलो जाके फाग, कवारी कवली हर है गई आए मीरा का यटल सवाग, कवारी कवली रह है गई। फिर नखे दर्योधन के मेवे त्याग दिए, खाया बद्र घर साग, हरि ने बद्रो भगत के मेवे, दर्योधन के मेवे तज दिए, खाया बद्र घोर साग, मांगे राम जगावाज मीरा, साजन ने ले ले ओ जाग, कवारे कवली रह गई। उड़ा मन में आवेगा तो साजन ने जाग ले छोड़ कर द्वारका नगरी की तरफ हो लेती है। चलती चलती द्वारका नगरी में एक मंदिर आया, उसका नाम था मंदिर का रणछोड़, बहुत बड़ा मंदिर। उस बहुत बड़े मंदिर में बढ़ते ही कपाट बंद हो गए और वहाँ सात दिन ने ले जाग, आज तो वो जाग ले इसने, वह उस मंदिर की तस्वीर में कोई नहीं देख रहा, कपाट तो बंद हो गए, वह लपट जाती है उसका चौकर चारों ओर लपेट कर उसकी तस्वीर में समा जाती है, लेख तो ये बता रहा है उसकी लाश नहीं पाई ना, कुछ नहीं पाया, वह कृष्ण की मूर्ति में समा गई, चीर चीर पाया, बस वो चीर पाया है, वह कृष्ण की मूर्ति में समा गई। भाई मीरा के तो बहुत घने लेख से, बड़ी गायक से, बड़ी शब्दन है, और उसका भेद हम नहीं, कोई राणा ने धक्का नहीं करा, किससे का मतलब नहीं, कोई चिट्ठी नहीं गई, कोई राणा की पुत्री नहीं, वह कोई राणा महाराणा ने कोई हंगा नहीं करा, क्या किसे अगर उसकी तारा की पुत्री बता दी आगे जो ये सांगी सांग करे हैं, अपनी ने तो लो रो किसने, यह तो होगी बगली बजट में बता देंगे। हाँ, अन्न की जय।